सोहन तैयार हो तुम? हाँ, आज कितना करना है? तीन मिनट, आज पूरे 3 मिनट तक तुम्हें पानी के अंदर रहना होगा। ओके ओके बाय। हेलो, एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। क्या? अच्छा ठीक है, हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। क्या हुआ सर? टीवी एक्टर सोहन की हरियाली क्लब में स्विमिंग करते वक्त अचानक मौत हो गई। मौत हो गई? लोगों का कहना है कि उसका खून हुआ है। खून हुआ है स्विमिंग पूल में? हाँ, अभी 6:40 हुए, हम लोग ठीक 7 बजे हरियाली क्लब में मिलते हैं। नमस्ते सर। सर, मैं इस क्लब का मैनेजर हूँ, मैंने ही आपको फोन किया था। वो ट्रेनर है अभी भी यहीं पे? जी सर, वो वहाँ पर है। मैडम संभालिए अपने आप को। मैं जहर दिया गया है, झाग निकल रहा है उसे। एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है? मैं आपको क्या बताऊँ? प्लीज आप रोना बंद करिए प्लीज। सोहन की और मेरी शादी होने वाली थी सर। आपकी शादी होने वाली थी इनसे? जी हाँ सर, और मैं ही इन्हें ट्रेनिंग दे रही थी। सर, सोहन ने एक बहुत बड़ी फिल्म साइन की थी, उस फिल्म के कुछ सीन पानी के अंदर शूट होने वाले थे। उसी के लिए सोहन पिछले 1 महीने से ज्यादा देर पानी के अंदर रहने की प्रैक्टिस कर रहा था। आज जब ये पानी के अंदर गया तो ये ठीक ठाक था? तबीयत वगैरह ठीक थी इसकी? ये बिल्कुल ठीक थे सर, ये बिल्कुल ठीक थे। हो सकता है पानी के अंदर सोहन को किसी ने जहर दिया हो। हो सकता है, लेकिन पानी के अंदर कोई जहर दे कैसे सकता है? कितनी देर था ये पानी के अंदर? सर 2 मिनट 25 सेकंड तक सर। 2 मिनट 25 सेकंड वो पानी के अंदर था। इस बीच में कुछ भी हो सकता है सर, शायद किसी ने जहर की पिंच चुभा दी हो पानी के अंदर। हम अगर पानी एकदम साफ है, कोई अंदर होता तो दिख जाता। जब सोहन की मौत हुई उस वक्त पानी के अंदर और कौन कौन था? सर चारों पुल में थे। आप चारों? हाँ सर, मगर सोहन हमसे काफी दूर तैर रहा है। जब सोहन पानी के अंदर आया तो आप चारों के अलावा और भी कोई था जो पानी के बाहर आया? अजीब बात है, 2 मिनट में ऐसा क्या हो गया? मीनाक्षी जी, इतनी देर तक पानी में रहने के लिए सोहन अपने साथ ऑक्सीजन मास्क या ऐसी कोई और चीज लेके जाता था पानी में? स्नॉर्कल। तो सांस लेने के लिए सोहन जी स्नॉर्कल इस्तेमाल करते हैं। कहाँ है वो? पता नहीं, यही तो था। तुम जरा आसपास देखो, तब तक मैं पूल में जाके देखता हूँ। ओके।
स्नॉर्कल तो नहीं मिला है, ये मिला है अस्थमा पंप। ये अस्थमा पंप किसका है पहचानते हैं? सर ये मीनाक्षी मैडम के पास था, इससे इन्होंने सोहन जी को स्प्रे किया था। सर मेरी सोहन से शादी होने वाली थी, सोहन को अस्थमा की प्रॉब्लम थी सर। वो पानी में उतरने से पहले ये स्प्रे लेता था सर, मगर ये पंप पानी के अंदर कैसे पहुंच गया? इसे तो तुम्हारे पास होना चाहिए था। जी मीनाक्षी, ये पंप पानी के अंदर गया कैसे? मुझे नहीं मालूम सर ये पानी के अंदर कैसे पहुंचा, पर इसमें जहर नहीं है। इसमें जहर है या नहीं अभी पता चल जाएगा। आप जरा अपना मुंह खोलिए। मगर क्यों सर? क्योंकि आप सिर्फ साबित कर सकती हैं कि इसमें जहर है या नहीं। मैं ये स्प्रे नहीं लूंगी सर, अगर इसकी दवाई से मुझे कुछ हो गया तो। अगर इसमें जहर नहीं तो आप डर क्यों रही हैं? शायद ये दवाई से नहीं जहर से डर रही है। शायद इसमें जहर है सर, मुझे नहीं मालूम, मैंने कोई जहर वहर इस दवाई में नहीं डाला सर। ठीक मीनाक्षी जी, अभी आप जाइए, अभी आपको पता चल जाएगा। सर इनको ब्यूरो में लेके जाओ और ठीक तरह से पूछताछ करो। ठीक है सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। चलिए लाश को फॉरेंसिक लैब में लेके जाओ पोस्टमार्टम के लिए। फोन देना सर। सर एसीपी सर नहीं आया अभी तक, उन्हें तो 20 मिनट में यहाँ पहुँचना था। उन्हीं को फोन लगा दो। जी हैं। कोई आया हुआ है? जी उनकी होने वाली बहू आई हुई। होने वाली बहू? अरे अभिजीत तुम हरियाली क्लब गए नहीं? सर वहीं से आ रहा हूं मैं। सर सोहन का वाकई फोन हुआ है, जहर दे के मारा गया उसे। अंदर चल के मैं आपको सब बता देता हूँ। नहीं यही बताओ, वो अंदर मैं आ ही रहा था वहां पर, लेकिन एक जरूरी काम निकल आया। जरूरी काम? हाँ, तुम एक काम करो, तुम फौरन जाकर डॉक्टर अंजलिका से मिलो और ये जानने की कोशिश करो कि वो जहर कौन सा था। ठीक है सर। सोहन के मंगेतर है मीनाक्षी, उसको पकड़ लिया, वही सोहन को स्विमिंग सिखा रही। मंगेतर ने खून किया है? मुझे लगता है डॉक्टर अंजलिका ने अभी तक पता लगा लिया होगा कि सोहन के साथ क्या हुआ है। तुम फौरन वहां पहुंच जाओ, मेरा काम जैसे ही खत्म होता है मैं तुम्हें फोन करूंगा। ओके ओके ठीक है। ठीक है सर। चलो बाहर आओ, बाहर आओ। सर आप मेरी मदद करेंगे ना? क्या मदद करूं मैं, वो गुंडे तुम्हारे पीछे ऐसे ही नहीं पड़े समझे। तुमने जरूर उनके साथ कभी ना कभी कुछ अपराध किया है। नहीं सर मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लीज आप अपने घर में मुझे छुपा लीजिए, वो लोग मुझे मार डालेंगे और यहाँ पर हमला करने की वो हिम्मत भी नहीं कर सकते। देखो अगर तुम ये साबित कर दो कि तुमने कुछ नहीं किया है तो मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दिलवा सकता हूँ। समझे? नहीं सर, पुलिस प्रोटेक्शन से कुछ भी नहीं होगा, आप सिर्फ आप ही मुझे बचा सकते हैं। कौन है वो लोग? है कौन वो लोग? आप सुन नहीं सकेंगे। क्यों? जल्दी बताओ कौन है वो लोग, बताओ बताओ। आपका बेटा नकुल। मुझे नहीं लगता कि मीनाक्षी ने सोहन का खून किया है। मतलब इस पंप में जहर नहीं है? पंप में जहर है, मगर ये जहर इसलिए है क्योंकि ये पंप पानी में पड़ा हुआ था, उस पानी में जिसमें जहर पहले से मिला हुआ था, स्विमिंग पूल के पानी में। ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? जब सोहन की मौत हुई उस वक्त और भी लोग पानी में थे, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, मैं भी उस पानी में गया था। कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा। ये देखिए आपके होठों में जलन हो रही है। हाँ पर इससे मुझे तो कुछ नहीं हुआ।
मेरी मौत तो नहीं हुई, फिर सोहन कैसे मर गया? सर, हो सकता है जो स्नॉकल सोहन ने लगाया हुआ था उसमें जहर हो सकता है। जब सोहन को पानी से बाहर निकाला गया वो स्नॉकल पानी में ही पड़ा रह गया और वो जहर पूल के पानी में मिल गया, मगर जहर कम था और इतने सारे पानी में मिलने के बाद उसका असर कम हो गया और जो लोग पानी में थे उन पे उस जहर का असर नहीं हुआ और इसीलिए हमारे वहां पहुंचने से पहले ही वो स्नॉकल वहां से गायब कर दिया गया। हमें उस स्नॉकल को ढूंढना होगा। सर, इस क्लब में जितने भी स्नॉकल्स थे वो सब यहाँ रखे। वो जहरीला स्नॉकल इन्हीं में से कोई होगा जिससे सोहन की मौत। ये स्नॉकल अभी धोया गया है इसीलिए इस पे साबुन लगा रह गया है। किसका काम है ये? किसने धोया है स्नॉकल? अभी अभी धोया गया ये। सुधाकर, फ्रेडरिक, इन सबके हाथों को चेक करो और ध्यान से देखो किसके हाथों पे से साबुन की स्मेल आ रही है। जिसके भी हाथों से साबुन की स्मेल आ रही हो उसे अलग खड़ा कर दो। आप आइए इधर। आइए, अभी आइए। सर, लगता है इन चारों ने अभी अभी साबुन से हाथ धोए हैं। अब बाकी लोग जा सकते हैं। अब बोलिए, आप चारों में से किसने मारा है सोहन को? बोलो। हेलो, क्या ठीक? ओके, बॉबी नाम के एक्टर को किसी ने सुबह 6:30 बजे जहर दे दिया। जहर दे दिया एक और एक्टर को? अस्पताल में उसकी मौत। हमें फौरन जाना होगा। फ्रेडरिक्स, इन चारों से पूछताछ जारी रखो और फिंगरप्रिंट्स दिलो इनके। ओके, आज एसीपी साहब बहुत परेशान थे। आज सुबह जब मैं उनके घर गया तो उन्होंने मुझे अपने घर के अंदर ही नहीं आने दिया। घर के अंदर नहीं आने दिया? मैंने उनके घर में एक लड़की देखी थी। कौन लड़की? बाहर कांस्टेबल कह रहा था कि एसीपी साहब के घर में उनकी होने वाली बहू आई। बहू? यानी नकुल की होने वाली बीवी? 1.5 साल पहले मैं उससे बैंकॉक में मिली थी, लेकिन तब मैं नहीं जानती थी कि वो क्या काम करता है। क्या काम करता है मतलब? क्या वो कोई गलत काम कर रहा है? हाँ सर, यहाँ आके मुझे पता चला कि वो किसी रैकेट में मिला हुआ है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की मगर वो किसी की नहीं सुनता। फिर हमारे बीच झगड़े शुरू हो गए, मैं उससे अलग हो गई। मगर सर, मैं उसके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ और इसीलिए वो मुझे मारना चाहता है। तुम्हें मारना चाहता है? ये तुम क्या कह रही हो? क्या वो खून भी कर सकता है? सर, वो कुछ भी कर सकता है। मुझे मालूम था एक न एक दिन मेरा बेटा एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा, मगर वो एक बड़ा अपराधी बनेगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो मुझे कहां मिलेगा तुम बता सकती हो? एसीपी साहब, मैं आपके पास अपनी जान बचाने के लिए आई हूं। प्लीज, मेरी जान को खतरे में मत डालिए। तुम एसीपी प्रद्युमन के साथ बात कर रही हो नादान लड़की? अपराधियों का नाम सुनते मेरे दिमाग में से धुआं निकलता है, फिर चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। जल्दी बताओ वो मुझे कहां मिलेगा? आज शाम 4:30 बजे वो संबिंग डिस्को आने वाला है। अभी 11:15 हो रहे हैं, 4:30 बजे समबिंग डिस्को में। मरने से पहले कुछ बताया इन्होंने डॉक्टर? नहीं सर, क्योंकि जब इन्हें हॉस्पिटल लाया गया इनकी हालत काफी खराब थी और कुछ देर के बाद ही इनकी मौत हो गई। एक चीज देखी, बॉबी के शरीर में भी वैसे ही सिम्टम्स हैं जैसे सोहन के शरीर में थे। यस सर। कौन लेके आए ने यहाँ पे? मैं लाया था सर। मैं जिम को आना था। एग्जैक्टली क्या हुआ था? सर, रोज की तरह बॉबी जी जिम में आए और इन्होंने कार्डियो एक्सरसाइज शुरू की। Oh,
मम्मी। ओह माय गॉड, उसके मुंह से तो छाक निकल रहा है। ये जहर तो नहीं दिया किसी ने? क्या कहना चाहते हो बोपी, क्या कहना चाहते हो? तुम सुरेश के तरफ इशारा क्यों कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया सर। अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो मरते वक्त बॉबी तुम्हारी तरफ उंगली क्यों उठा रहा था? हैं? मुझे नहीं मालूम साहब कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैंने कुछ नहीं किया। जिस वक्त बॉबी की मौत हुई उस वक्त तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे? उस वक्त मैं एक दूसरे मेंबर को अटेंड कर रहा था। जैसे ही मैंने बॉबी साहब को गिरते देखा मैं दौड़ कर आया उनकी मदद करने के लिए। फिर मैंने उनके जूते निकाले और उनके पैर रगड़ने लगा। तुम बॉबी के पैरों के पास थे? जी साहब। तो शायद मरते वक्त बॉबी सुरेश की तरफ नहीं बल्कि अपने पैरों की तरफ इशारा कर रहा था। शायद कुछ बताना चाहता था पैरों के बारे में। देखिए जरा इसके पैर देखो। ये निशान सर, ऐसा लगता है बॉबी को किसी ने पिन से जहर दिया है। शायद जहर भरी पिन चुभाई होगी इसे। और हो सकता है खूनी ने वो पिन बॉबी के जूतों में लगाई। जैसे ही बॉबी ने ट्रेडमिल में दौड़ना शुरू किया वो पिन इसके पैरों में चुभ गई। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? इस केस में तुमसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं सर, वो बात नहीं है। पर आप ठीक तो है ना सर? क्यों, मुझे क्या हुआ? वो सब हमें लगा आप कुछ परेशान हैं किसी घर की बात को लेकर। देखो आदिति, घर हो या ऑफिस, एसीपी प्रद्युमन को कभी भी कोई बात परेशान नहीं करती। चलो देखते हैं बॉबी की मौत कहां पर हुई। चलो दिखाओ मुझे वो ट्रेडमिल कहां है। सर ये है वो ट्रेडमिल। जूता कहा है? सब ये रहा। सब इसमें कुछ लगा है। लगा हुआ है? देखो सर। इसी पिन से बॉबी को जहर दिया गया होगा। मगर खूनी ने ये पिन बॉबी के जूते में लगाई कैसे होगी? कोई दूसरा आदमी ये पिन बॉबी के जूते में लगा कैसे सकता है? ये बॉबी जी अपने जूते कहाँ रखते थे? जी अपने लॉकर में। लॉकर रूम में रखते थे तो जूते के अंदर पिन कहाँ से आ गई? जरूर किसी ने लॉकर खोला होगा ना। बाहर का आदमी आकर लॉकर खोल नहीं सकता है। अंदर के किसी आदमी का काम नहीं है। यहाँ काम करने वाले सभी लोगों को बुलाओ, उनमें से किसी ने खून किया। आप जा क्यों नहीं रहे? जल्दी कीजिए। सर मेरे ख्याल से ये काम सिक्योरिटी गार्ड ने किया है। सिक्योरिटी गार्ड ने? जी हाँ सर, वो सुबह से गायब है सर। मैंने सभी से पूछा, वो घर पर भी नहीं है सर। कहीं वो भाग तो नहीं गया? इस सिक्योरिटी गार्ड को ढूंढना चाहिए। सर वो देखिए। माय गॉड। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।